दोस्तों, कैसे आप, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ये वीडियो भी फ्रॉड अलर्ट होने वाली है। जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल मैं फ्रॉड वाली वीडियो ज़्यादा डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ। दिन में दो चार तो मैं थाने में देख लेता हूँ, जो कि आवेदन लेके आते हैं फ्रॉड फ्रॉड के लिए, कि हमारे साथ इतने का फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं फ्रॉड मेरे चैनल के माध्यम से भी मैं आप लोगों को अगर जागरूक कर सकूँ, और अगर आप मेरी वीडियो के माध्यम से अगर थोड़ा बहुत अपने आप को अवेयर कर लेंगे, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। यही मेरा मोटिव है कि आप सुरक्षित रहें। तो एक सुबह सुबह मैं उठाई था कि मेरे पास उठना क्या, ये 2:04 मतलब रात को मैसेज आया मेरे पास कि इसमें एक वीडियो है और उसमें वो बकवास करता है कि आपकी लॉटरी लग गई है। और सबसे बड़ी बात कि अपने अमिताभ बच्चन जी का फोटो लगा रखा है, कौन बनेगा महाकरोड़पति, नया सिस्टम इन्होंने चालू कर दिया है। सुन लीजिए आप पूरी बात। की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से, व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल किया है। व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली से। व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहे हैं हमारे। यूज कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइस लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। सर, ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइस विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि लॉटरी कैसे लगी है। सर, ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, चुनान और सऊदी अरब। इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था, जिसमें आपका नंबर इंडोनेशिया में पहले नंबर पे, व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। 5 देशों में 25 लाख लॉटरी हासिल करने के लिए ये जो आपको ये आपका लॉटरी है, ये पहुंच गया मुंबई के अंदर, मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वो ये जो मैंने आपको चेक लेटर सेंड किया, इसके ऊपर आप देख लें, ये बैंक मैनेजर का नंबर है जो आपसे मुंबई से बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिन्होंने आपका 25 लाख का लॉटरी आपको रिसीव करवाना है और बताना की लॉटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया, इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में एड करना है, सेव करना है और व्हाट्सएप में एड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। इनको बोलना की 25 लाख की लॉटरी लगी है, लॉटरी कैसे मिलेगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी देंगे। ये मुंबई से बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इन्होंने आपको पैसा आपको देना है। इस नंबर को सिर्फ आपने व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉटरी व्हाट्सएप पे लगी तो व्हाट्सएप से कॉल करनी है आपने। व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करें। अगर आपसे ये लॉटरी नंबर पूछे तो ये ऊपर लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, ये लॉटरी नंबर आपने इनको बता देना है। तो अभी आप जल्दी से व्हाट्सएप में ऐड करके कॉल कर लें, बैंक वाले आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वीचिंग फॉर व्हाट्सएप। ये बैंक वाले हमारा वेट कर रहे हैं, और ये कोई एक दो लोग नहीं है, इनकी पूरी एक टीम है। ये सिर्फ मैसेज शेयर करने वाला है, इसने मैसेज मेरे को शेयर किया और एक दूसरे व्यक्ति का मेरे को नंबर दिया और नीचे लिख रखा है ये राकेश का व्हाट्सएप नंबर है। मतलब व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है कि भाई हिंदुस्तान में इतने भी पागल लोग नहीं हैं जो तुम्हारी ये भाषा नहीं समझ पाएँ। जिस तरीके से आपने लिखा है, ये इधर का नहीं है, इंडिया का, बाहर का हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। बाकी इसका जो नंबर है वो +92 से है, +91 से नहीं है, अपना इंडिया का कोड नहीं है। तो अभी मैं, इसने जो मेरे को मैसेज शेयर किया है, अभी मैं उससे बात करने की ट्राई करूँगा, ठीक है ना। ये जो मुझे नंबर दिया है, अभी मैं इसको कॉल करूँगा, व्हाट्सअप कॉल करने का बोला है उसने, देखते हैं क्या बात करता है वो। ऑडियो कॉल करते हैं। नो आंसर। कोई आंसर नहीं दे रहा है। हो सकता है इनकी अभी ऑफिस बंद हो गई हो, मतलब इनका भी एक हो सकता है टाइम होता हो, टाइम पीरियड के इतने से इतने बजे तक ही बात करेंगे। और इनका देखो नंबर, देखो जिस नंबर से मेरे को मैसेज आया था वो +92 करके है, मतलब इंडिया का नंबर नहीं है वो, और ये कहीं का भी नहीं है, सब लोग इंडियन हैं। और ये लोग क्या है, ये जो नंबर है जिससे ये व्हाट्सएप यूज कर रहा है, सुबह से मैंने एक मैसेज किया था उसी नंबर पर, अभी तक सीन नहीं किया है, नहीं डिलीवर हुआ है। मतलब ये हो सकता है वन टाइम यूज नंबर हो, ये इंटरनेट के माध्यम से नंबर निकालते हैं और किसी ऐप के माध्यम से उस नंबर से व्हाट्सएप बनाते हैं, किसी दूसरी कंट्री का कोड लगा के, है ना। व्हाट्सएप एक बार बनता है शायद इनका, एक पर्टिकुलर बंदे को मैसेज करने के लिए। और डेटा कहाँ से मिलता है, डेटा पहले शायद मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहाँ आप देख लो डेटा इनको कैसे मिलता है हम लोगों का। जैसे अपन ने कहीं भी कोई भी इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, या फिर कभी अपन पर्सनल लोन के लिए इंटरनेट पर कोई भी अपन सर्चिंग भी करते हैं ना, तो इनके पास डेटा पहुँच जाता है और इनको अवेलेबल कोई ना कोई करा देता है। वहाँ से ये लोग डेटा लेते हैं और फिर ये नंबर क्रिएट करते हैं, नंबर क्रिएट करके व्हाट्सएप बनाते हैं। व्हाट्सएप पर फिर सिर्फ एक बार मैसेज हुआ और उसके बाद इनका ये व्हाट्सएप क्रैश कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका एक फ्रॉड करने का नया तरीका है, नया क्या, ये तो बहुत पुराना है। व्हाट्सएप पर लॉटरी के नाम से पहले भी फ्रॉड होते आए हैं और आज मेरा नंबर लग गया है। तो बहुत खुश नसीब हूँ मैं, 25 लाख की लॉटरी लगने वाली है मेरी। अभी ये फ़ोन नहीं उठाया इसने, बाकी फ़ोन उठा लेता तो मज़ा आता, बात करते हम इससे, फिर मैं दिखाता भी आपको क्या बात कर रहा है वो, किस तरीके से फ्रॉड करता है। पर किस्मत हमारी ख़राब है कि इसने फ़ोन नहीं उठाया है, ठीक है। अगर कभी उठा लेता है, वीडियो में बना पाया, तो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो को मैं इतना ही अपलोड करूंगा, ये सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए वीडियो है कि कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई लॉटरी का मैसेज आता है व्हाट्सएप के माध्यम से, कभी भी उसके उनके झांसे में ना आए। मैंने कॉल की है, आप कॉल भी ना करें, किसी भी जो भी आपको वो नंबर प्रोवाइड कराते हैं कि इस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप कॉल करिए, ऑडियो कॉल करवाएं वो भी कॉल मत करिएगा, नॉर्मल जो कॉल होती है ना ही व्हाट्सएप कॉल करनी है आपको। आपको कुछ इनका रेस्पॉन्स ही नहीं देना है, ठीक है ना। ये सब फ्रॉड है,
कोई आपको यूं ही 25 लाख की लॉटरी नहीं दे देगा। लॉटरी सिस्टम इधर खत्म हो चुका है। लॉटरी के लिए पहले टिकट खरीदनी पड़ती है, उसके बाद लॉटरी लगती है। यूं ही हम इतने लकी नहीं है कि हमारा लकी ड्रॉ में नंबर आ जाए, और वो भी 5 देशों के बीच में। एक मैं ही एक बंदा हूँ जिसका नंबर आया है 5 देशों में। सोचो आप, हिंदुस्तान की जनसंख्या इतनी है। चलो हिंदुस्तान में बात होती है, अगर एमपी स्टेट की बात करते तो मेरा नंबर आता, मैं सोच भी लेता भाई मेरा नंबर आ गया है, हो सकता है मैं इतना लकी हूँ। लेकिन पूरा हिंदुस्तान, उसके बाद 5 और देश, 4 और देश हैं हिंदुस्तान के साथ, उन सब के बीच में एक अकेला मैं आया हूँ, वो भी नंबर 1 प्लेस पर। वाह यार, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, चलो ठीक है, किसी ने बोला तो सही कि आप 5 देशों में नंबर 1 पे आए हो। फिर भी आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। आपके पास अगर कभी ऐसे आते हैं मैसेज वगैरह, तो आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं देना है। ठीक है ना, जय हिंद।